ये बात एक बड़ी कामयाबी और उन चोरों को उन गैंगस्टर को जो है दर्द होता है जो ऐसी वारदातों को अंजाम देते थे। ये तस्वीरों में देखी थी, ये वो सोना है जो कि 7 लाख के करीब। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रघुवीर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें कि हमारी रिजौरी पुलिस की टीम क्योंकि हेडेड बाई DYSP हेडक्वार्टर सतीश साहब और SHO रिजौरी राजवानी, हमने एक बाइक लिफ्टर्स का गैंग पकड़ा है जिसमें कि 14 बाइक्स और एक स्कूटी रिकवर की है जो कि डिफरेंट जगहों से चोरी हो रखी थी पुलिस स्टेशन रिजौरी के जुरिस्डिक्शन में और कुछ एक रिजौरी के कुछ और थानों में और कुछ एक हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हो सकता है कि किसी जम्मू के कुछ थान पुलिस स्टेशन के एरिया से भी चोरी हुई है। वो सारी की सारी बाइक्स रिकवर करके हमने 3 गैंगस्टर्स को पकड़ा है जो कि काफ़ी देर से यहाँ पे एक्टिव थे। उसके साथ साथ एक यहाँ पे सिटी में एक बर्गलरी हुई थी उसको भी हमने वर्कआउट किया, जिसमें कि कोई 7 लाख की वैल्यू का गोल्ड जो है वो उनसे हमने रिकवर किया है। जो ये थीव्स हैं, जो बाइक लिफ्टर्स हैं, इसमें से 2 जोरी के थे, एक रियासी का रहने वाला है। और सिमिलरली जो हमारी बर्गलरी हुई है सिटी में उसमें भी एक हमारा जो बर्गलर है वो रजौरी का है और एक रियासी का है। और ये धरपकड़ हमने जारी रखी है, बाकी भी हमारी जो टीम्स हैं वो लगी हुई हैं। बाकी पहले तो हमारी कोशिश ये है कि प्रिवेंटिव एक्शंस हम लोग कर रहे हैं ताकि इस किस्म की वारदात ना हो, और अगर कहीं हो जाता है तो हमारी टीम सक्षम है उसको रिकवर करने के लिए। थैंक यू सर। कितनी बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए ये, क्योंकि किसी का मेहनत से कमाया हुआ पैसा चोरी होता है, पुलिस कितनी बड़ी कामयाबी किसी को? बिल्कुल बड़ी कामयाबी है, क्योंकि काफ़ी किसी गरीब आदमी का कोई बाइक अपनी मेहनत के पैसे से घुमा के बाइक खरीदता है, किसी ने लोन ले रखा होता है, तो ये जो बड़ी कामयाबी है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो जितने भी जो जिनका ये रिकवर हुआ है, जो आइडेंटिफाई होता है, उनको भी खुशी महसूस होगी। और इसके साथ साथ ही मैं पब्लिक से भी अपील करना चाहूँगा कि अपनी जो बाइक से कोई भी चीज़ है उसको सेफ जगह पे रखें, क्योंकि चोरी करके कोई उसको मिसयूज़ भी कर सकता है, तो एटलीस्ट वो चीज़ें मिसयूज़ ना हो, उसकी अपनी सेफ्टी पहले खुद भी करना चाहिए। और जैसे कि घर में बर्गलरी हुई है, मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि अगर CCTV कैमरास अपने अपने घर में अगर लगाए जाएँ तो एटलीस्ट हमें भी उससे मदद मिलेगी। हालांकि हमने पूरे सिटी में CCTV कैमरास जितना लोकेशंस है कवर किए हुए हैं, उसकी मदद से भी हमें काफ़ी सारी लीड्स मिली हैं। सर क्या जो चोर पकड़े गए हैं इनसे पूछताछ के बाद चोरों के गैंग तक पुलिस पहुँच हुई है, क्योंकि बहुत सी चोरियाँ अभी भी बकाया हैं जो चोरी में काफ़ी? जी हाँ बिल्कुल, इनका एक मेन किंग पिन है जो अभी मिस हुआ है, उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं, कोशिश की थी। बशारत नाम का किंग पिन है और जल्दी हम उसको भी पकड़ के, तो एटलीस्ट बाकी भी जो उसने उसके गैंग में ने जो पकड़ रखे किया हुआ है डर पकड़ उसको हम पकड़ के उसको भी जल्दी ही रिकवर करेंगे, जो बाकी भी उसने चोरियाँ दाएँ बाएँ कर रखी हैं, और इससे बड़ी कामयाबी मिलेगी। उसके पीछे हम लोग लगे हुए, जल्दी उसको भी पकड़ लेंगे। जो अरेस्ट हुए इनकी आइडेंटिफिकेशन आप शेयर करते हैं? हाँ, इनका आइडेंटिफिकेशन एक अवतार हुसैन है, सन ऑफ मोहम्मद इकबाल, और वो कालाकोट का रहने वाला है। दूसरा मुदस्सिर मीर, सन ऑफ परवेज मीर, ये रियासी का रहने वाला है। और तीसरा जफर हुसैन, सन ऑफ अब्दुल हुसैन, ये कोटधरा का रहने वाला रजौरी का है। और सिमिलरली जो हमारे इसमें बर्गलरी हुई है उसमें एक शाम शर्मा अलियास सन्नी है, ये वार्ड नंबर 9 का ही रहने वाला है। और एक अनिल शर्मा, सन ऑफ प्रेम सिंह, ये रंसू रियासी का रहने वाला है। और इसके साथ साथ नदीम खान, सन ऑफ मोहम्मद कबीर, ये निरुजाल साज का रहने वाला है। सर कब से ये चोरी कर रहे थे, क्या इनसे खुलासा हुआ है, कितनी वारदातें चोरी की ये कर चुके हैं? ये इसी साल में, जैसे आपने देखा है कि ये जो 14 बाइक चोरी स्कूटी हमने पकड़ी है, 14 वारदात में 15 होती थी, और एक वारदात जो हमारे सामने आई जो सिटी से एक लेडी के घर में इन्होंने बर्गलरी की थी, उसमें कमला शर्मा के घर में इन्होंने बर्गलरी की थी जिसमें गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह ले गए थे, वो हमने रिकवर किया। सर क्या ये लोग राजौरी तक महदूद थे या ये जो सामान चोरी करते बाहर बेचते भी कोई सामान? ये आगे इन्होंने बाहर भी बेच रखा था, ये जो चोरी का सामान है ये हमने सेल आउट कर रखा था इन्होंने रियासी में, ये रियासी से हमने ये गोल्ड वगैरह रिकवर किया है।